आज नवरात्र का तृतीय दिवस है, आज गणगौर का दिन भी है, आज सौभाग्य तीज भी है। ये जगत जननी जगदम्बा तुम्हारी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होती, ये जगत जननी जगदम्बा तुम्हारे आभूषणों से प्रसन्न नहीं होती, ये जगत जननी जगदम्बा तुम्हारे मेवे और पकवान से प्रसन्न नहीं होती, ये जगत जननी जगदम्बा केवल तुम्हारा भाव देखती है कि मेरा पुत्र मेरा बेटा ये संसार का मानव मुझे कैसे रिझा रहा है, ये मुझे कैसे मना रहा है। उसकी प्रसन्नता केवल एक भाव से। केवल एक भाव। और जब निर्मल मन निर्मल विचार निर्मल सोच निर्मल बुद्धि निर्मल चित्त हमारे भीतर का आ जाता है महाराज, तब दुनिया का संपूर्ण सुख हमारे सम्मुख में हो जाता है। केवल मन कि कल है तीज, जिसको हमारे यहाँ गणगौर तीज कहते हैं। शंकर और पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए थे और तैयार होने के बाद शिव और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर जा रहे थे। तो कल का दिन है वो। कौन सा दिन है कल का? गणगौर तीज का दिन, कल का दिन। चैत्र के महीने में जो शुक्ल पक्ष की तीज आती है वो चैत्री नवरात्र में जो तीज की तिथि होती है उस दिन शंकर और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। 16 दिन तक पार्वती और शंकर का श्रृंगार होता है, उसमें से आज का दिन सिंधारा दूज का होता है। आज तीज है सौभाग्यवती। केवल 7 दाने चावल के जल के पात्र में चंदन में भिंगो कर डाल देने पर और उससे कामना कर आरोग्यता की कामना कर मात्र घर के जो मटका होता है परिंडा होता है उसके पास में समर्पित कर देने पर भगवान शंकर का नाम स्मरण कर जीव की रोग से मुक्ति भी हो जाती है। रोग नहीं घेरता उसको, आरोग्यता का अनुभव, आरोग्यता का सुख प्राप्त होता है। शिव महापुराण के लिए लोग कहते हैं, कई लोगों के कई विप्रजन कई ब्राह्मण जन भी पूछते हैं, गुरुदेव ये बताओ कि इतने सारे उपाय आप बताते हो पुराणों में से निकाल कर और हम भी प्रयास करें इसको निकालने के लिए, तो हम कौन से पुराणों में ढूंढे? तो आपसे भी निवेदन है, स्कंद पुराण से निकालिए, लिंग पुराण से निकालिए, नर्मदा पुराण से निकालिए, देवी भागवत से निकालिए, श्रीमद भागवत से निकालिए, शिव महापुराण से निकालिए, गर्ग संहिता से निकालिए, पद्म पुराण से निकालिए, राधा वल्लभी से निकालिए, एक एक पुराण में से एक एक चरित्र में से। और तो और हम तो सहज भाषा में कहते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर की सारी गीता प्रेस गोरखपुर के अंकों को लेकर आ जाइए, चाहे शिव अंक हो, चाहे सती अंक हो, चाहे पार्वती अंक हो, चाहे मानस अंक हो, चाहे धेनु अंक हो, एक एक भगवान गीता प्रेस का एक एक अंक खरीद कर लेकर आओ, कल्याण का एक एक अंक तुम्हारे पास में लेकर आओ और उस अंक में से एक एक उपाय को निकालने का प्रयास करो, आपको सारे उपाय मिल जाएंगे जो इस व्यासपीठ से बताए जाते हैं। सारे उपाय आपके सामने आ जाएंगे कि जो व्यासपीठ से दिए गए सारे उपाय आपके सम्मुख में, आप निकालो और उसको पढ़ो और उसको लाइए। बस दबा दिया गया। आज ढोंग प्रपंच छल ने दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण के उपायों को शंकर की कथा को दबा दिया था। सारी पुराणें होती थी पर शंकर की पुराण नहीं होती थी महाराज, दबा दिया गया था। और शिव महापुराण को केवल जगत में लेकर आना चाहते हैं कि शंकर को दुनिया पहचाने, शिव की साक्षी को पहचाने, शंकर है क्या, शिव का अनुमोदन क्या है। दुनिया के लोग टीवी के माध्यम से फिल्मों का निर्माण कर कह देते हैं कि इस पर दूध चढ़ाना क्यों चढ़ा रहे हो, गरीब बच्चे को दूध पिला दो, ऐसा क्यों कर रहे हो। उस शंकर को
जगत तक पहुंचाना है कि शंकर पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर दही क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर बेलपत्री का महत्व क्या है, शंकर पर शमी पत्र का महत्व क्या है, क्यों शंकर भगवान को शमी के वृक्ष का मात्र 7 फूल चढ़ा देने पर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, क्यों कहा जाता है। उसको निकालो, उसको समझो, उसको पढ़ो, उसको अपने जीवन में उतारो। सारे देवी देवताओं को बहुत सा सामान चाहिए होगा, पर मेरे विश्वनाथ को कुछ नहीं चाहिए। मेरे शंकर को चाहिए क्या? अगर आपके जीवन में ऐसा लगे कि बहुत बड़ी बीमारी आ गई और आपके घर का व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, तो शमी के वृक्ष के फूल ले आओ 7, और शमी के वृक्ष के 7 फूल लाकर एक एक फूल शंकर भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस व्यक्ति के लिए जो पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसको अटैक आ गया, अंतिम सांसों में जो गिन रहा है, उसके नाम से भगवान शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 7 पुष्प, उस शमी के वृक्ष के 7 पुत्र 7 पुष्प आप शिव को समर्पित करिए, उसका नाम और गोत्र बोलकर, और भगवान शंकर का मूल मंत्र श्री शिवाय जम के बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक एक शमी का फूल शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। फिर आगे वो विश्वनाथ की मर्जी है, वो प्राण कैसे लेकर वापस आता है, उस काल से छुड़ाकर महाकाल कैसे लाता है, ये वो जाने। आपका फर्ज केवल आप अदा करिए। जब अंत में डॉक्टर भी हार जाते हैं, जब अंत में डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे बस का नहीं है, अब तो उस परमात्मा के हाथ में, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर बैठा हुआ, एक डॉक्टर और है, वो बस वो थोड़ा सा दूर तो रहता है पर करीब भी बहुत है। कई लोग कहते हैं गुरुजी वो कैलाश पर रहता है बहुत, तो उनको बुलाएंगे तो आएंगे। हमने कहा कैलाश पर तो रहता ही नहीं है, जहाँ भक्त है वहाँ भगवान, वो दूर तो रहता ही नहीं। आप तो बस केवल उसको बुलाने का प्रयास करिए, आप दिल से बस उसको हाजिर, वो दिल से बुलाओ तो उसको।